मतलब आ गए हो, प्रेम वस्त्रालय आए हैं, और आपको मैं साड़ियाँ जब भी लेनी होती हूँ यहीं से ही लेती हूँ। तो ये साड़ी हम लोगों ने भाभी के लिए पसंद करी है, क्योंकि भाभी का आज बर्थडे है, ये हो गई भाभी। इसका एक्चुअली ना कलर, ये ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर है, और एक ये कलर है, ये तो मुझे कम पसंद आया। तो फिर हमने भी कह दिया कि मम्मा मामी के लिए ग्रीन वाला ले, तो मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे दिखाओ कौन सा कलर ले पता हूँ। अरे ग्रीन तो ले लिया मामी के लिए, हमारे लिए मम्मा के लिए। ऐसा हो गया था कि बहुत देर पहले से निकलने वाला था। तुम देख लो, मुझे नहीं देखते। अभी तो ये पापा परेशान कर रहे, पापा को तो मेरा पापा चलिए घूमा थे, दो दिन से घर पे ही थे। एक चीज ये दिमाग में अगर बिठा लेता है, फिर उस दिन पापा गए नहीं थे ना करवा चौथ वाले दिन, तब से यही लगा पड़ा है। उस दिन बोले हम आओ तो क्यों नहीं आए, तो उस दिन बोले हमारे तो क्यों नहीं आए, तो एक ही बात बोलेगा चाहे जो हो। ये तो सिल्वर काम की हो गई, मेरे को तो गोल्डन काम कलर तो सब मिल जाएंगे पापा पापा ने। पापा सारा वही रहता है, सारे कदम अच्छी लगी, इसका काम अच्छा लगता है। तुम देख लो, तुमको जो है हम लोग शक्ल में तो ऐसे हो तेरा दादू पास हाथ हाथ पकड़ो, दादू का दादू हाथ पकड़ पकड़ो। आए तो मैंने साड़ी ले ली और बस प्रेम वस्त्रालय से, आपको पता ही है नीलगिरी के पास से ले लेती हूँ। तुम्हारा वीडियो शूट हम क्यों करें भाई,
रीजन बताओ, एक तुमने इतनी शैतानी करी है वहाँ, और वहाँ पे मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई, तो वो कहने लगी कि मैं आपके जब 1000 सब्सक्राइबर थे मैं आपको तब से देखती हूँ, और आपकी मतलब आपने बताया था यहाँ से आप साड़ी लेते हो तो मैं यहीं से लेती हूँ। हाँ ये देख लो भाई, गन्नू को, गन्नू अपने दादू के साथ बैठे हैं आगे, और खूब शैतानी करी ना पापा इन्होंने, बहुत इसको लगते हैं चोट नहीं लगती पापा, अब इसको इतना बदमाश हो गया है, मारो बिल्कुल बिल्कुल, अब लड़का होता जा रहा धीरे धीरे है, कि अब हाथों की आपकी जो जैसे होता नहीं था पापा पहले जमाने में कि लड़कन का मारो तो चूड़ी टूट जाता है, वही वाला इसका हिसाब अब हो गया है। तो हमने दो साड़ी ले ली है, एक साड़ी तो हो गई है ये भाभी के लिए, और एक साड़ी ये वाली हमने ली है दिवाली के लिए। बहुत दिन बाद आपने देखा होगा कि मैंने शॉपिंग करी है, मैंने अब ऐसा फील हुआ पहले वाले दिन के जैसे, जैसे पहले हम निकलते थे शॉपिंग करते थे सब करते थे। अब इस साड़ी को अच्छे से तैयार करेंगे और दिवाली के लिए, और अच्छी साड़ी है तो ये सोच रहे थे कि इसको आगे भी रीयूज करेंगे, ऑब्वियसली इसको रीयूज करेंगे किसी की शादी में या उसमें। साड़ी आ गई मेरी प्यारी सी, मेरा मत करना, टाइम हो गया है 7:30, और जिस हिसाब से सो के मैं उठी थी मतलब सो गए थे 6:45 उठे थे, और ऐसा सर घूम रहा था उस टाइम से जैसे चक्कर से आ रहा हो, कि फिर मैं आके बैठ गई, मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं, मुझे लग रहा था कि आज छोटो सॉफ्टी खाएंगे, सॉफ्टी भी लगी कहीं इसको नहीं खिलाएंगे, मुझे लगा कि हम नहीं निकल पाएंगे, फिर कहने लगे कि अरे नहीं चलो मैं चलते हैं, 10 थोड़ी देरी तो लगेगा, आने जाने का टाइम लगेगा थोड़ी देर में, तुम सेलेक्ट कर लेना और हो जाएगा। मैंने कहा बैग ले लिया ना? हाँ हाँ बैग ले लिया था। और कोई फोन दोबारा निकाला नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं निकाला था मैंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और पता है मेरा फोन क्यों नहीं आ पाता, ये रीजन की वजह से नहीं आ पाता है, क्योंकि यार इतना उनके पास टाइम ही नहीं रहता है कि ये कुछ कर पाए, बहुत मुश्किल से तो आज ये 6:30 की तरफ निकल पाए थे घर से, कि चलो अच्छा ठीक है मैं थोड़े काम फोन पे कर लूंगा मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो नहीं निकल पाते हैं यार जब से जॉब है, तो अब है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ मैं भी चीजें, कि ठीक है आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा परसों मिल जाएगा, ठीक है जितना है उतने में अब हम खुश हैं मस्त हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है वाला हिसाब है, जय ठीक है बस। और बस ये हो गई हमारी साड़ी की शॉपिंग, और भाभी की साड़ी और दिखाई दी थी मैंने आपको ग्रीन वाली ली, क्योंकि पता नहीं क्यों जो एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाती है पसंद आ जाती है, और ये वाली साड़ी पापा ने कलर पसंद किया क्योंकि इसके दो कलर थे, ठीक है तो पापा बोलने लगे ये वाला कलर ले लो, ठीक है सबने कहा ये, तो मैंने कहा ठीक है ये वाला कलर ले लो, पापा को भी कलर अच्छा लगा। और साड़ी एक्चुअली मुझे ऐसी चाहिए थी जो पहनने में थोड़ी अच्छे से बन जाए और बहुत जल्दी बन जाए, मतलब बहुत हैवी ना हो, तो उस हिसाब से मिल गई। अभी ये देखिए ये हम लोग इंदिरा नगर वाले मेट्रो से निकल रहे हैं, बड़ी भीड़ होगी किसकी, मेरी दवा अच्छा हाँ मामा, क्या दूं? मैं जिससे तुम चुप हो, किससे चुप होते हो? मैं इतना मारूंगी तुमको, कितना नालायक है, ऐसे बोलो चुप हो जाओ तो कहता है आइसक्रीम आ गया, आइसक्रीम तो कहेगा क्या पता है कि मम्मा तुम मुझे फोन दे दो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, तुम मुझे ये काम कर दो मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, ऐसे शिकायत।